प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामक महामारी से प्रभावित है, इफेक्टेड है। इस स्थिति में हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था है, वह सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। सरकार के निर्देश के अनुसार विद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था करने की तकनीक को अपनाया है, जिसके अनुक्रम में हम लोग अपने विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट के माध्यम से कुछ न कुछ सिखाने का या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों को पहला वीडियो इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 नरेशन होता है, इससे भेजने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और नोटबुक तैयार कीजिए। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, आप आने वाले समय में आप 11 के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर 11th का ग्रामर में नरेशन होता है। नरेशन, जिसको हिंदी में कथन कहा जाता है, इसको एक वर्ड और बोला जा सकता है नरेशन को, रिपोर्टिंग। नरेशन के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन होता है, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन होता है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करने का यहाँ कुछ रूल होता है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का है, दूसरा पार्ट इसका दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है। ध्यान से समझिए, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का होता है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे रूल के अंतर्गत क्या परिवर्तन होता है, चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ पर्सन, चेंजिंग ऑफ पर्सन, पर्सन का परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, पहले रूल के अंतर्गत है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने पहले बताया डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का है, दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो पार्ट होता है वो दोनों तरफ से इनवर्टेड कॉमास के अंदर पैक होता है, बंद होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब बाहर होता है। तब आपको ध्यान देने की जरूरत है टेंस के अनुसार, चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस में परिवर्तन किस तरह से होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो इनवर्टेड कॉमास के बाहर भाग होता है डायरेक्ट स्पीच का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। एक बार और सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग ऑफ पर्सन, पर्सन का परिवर्तन कैसे होता है, इसके लिए रूल होता है। इसे पहला रूल बताया जा रहा है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार की जाती है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार की जाती है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। जहाँ तक पर्सन का सवाल है, पर्सन पहले भी बताया गया है, पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई और वी की फैमिली आती है, आई, माई, मी, और वी में क्या आता है, वी, आवर, अस,
ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, यू योर योर्स होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे देयर देम हीज हर, कोई नाम हो गया टीचर राम, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत प्रोनाउन बताया गया आई मी माई माइन वी अस आवर आवर्स, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू योर योर्स। इसके अलावा शेष जो पर्सन होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो चेंजिंग ऑफ पर्सन, पर्सन का परिवर्तन कैसे होता है, रूल के अंदर आप बताया गया। पहला रूल है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार की जाती है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार की जाती है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जो है हम टेंस के अनुसार एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। पहला एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेज नोटे कामा के अंदर माई ब्रदर वॉज राइटिंग ए लेटर। इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा तो ही सेज दैट, दैट जो है करेक्टिव वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वह दैट होता है, जिसको कनेक्टिव वर्ड कहते हैं। तो सेज ही सेज दैट, चूंकि सेज ये प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिव और प्रेजेंट टेंस में है, जब प्रेजेंट टेंस में है तो रूल बताया गया रिपोर्ट स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन में परिवर्तन तो होगा। तो पर्सन चेंज हो रहा है, ही सेज दैट, यहां दिया गया माई ब्रदर, माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार की जाती है, जिसका सब्जेक्ट ही है, तो ही के अनुसार माई बदल करके हिज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पड़ेगा ही सेज दैट हिज ब्रदर वाज राइटिंग ए लेटर। यहां पर वाज राइटिंग है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, दे से द मिनिस्टर विल नॉट गो टू क्वारंटाइन। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताएंगे, दे से दैट द मिनिस्टर विल नॉट गो टू क्वारंटाइन। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कि सिर्फ दैट से जोड़ दिया गया है। इसके पश्चात कुछ रूल और मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। जैसे है तीसरा एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, तीसरा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, ही सेज टू मी आई एम ए गुड प्लेयर। एग्जाम्पल है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इसको, यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहां क्या सेज टू, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू है, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, ही टेल्स मी, करेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, ही टेल्स मी दैट। पर्सन बदलेंगे, पर्सन में आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदलेगा तो ही हो जाएगा, आई बदल करके ही होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आई के साथ जब एम का प्रयोग है तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा, ही इज ए गुड प्लेयर। इसके बाद एक एग्जांपल और दे रहे हैं डायरेक्ट स्पीच का, दे से टू हिम, दे से टू हिम,
यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। ध्यान दीजिए, दे सेड टू हिम यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे उनसे कहते हैं तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, से टू को टेल बदलेंगे, दे टेल हिम दैट, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट कौन सा बदलना है, हिम है तो ही हो जाएगा, टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं करना है, यू के साथ डू नॉट है तो ही के साथ डज नॉट हो जाएगा। He does not play football. ध्यान दीजिए, दे टेल हिम दैट ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ये एग्जाम्पल मैंने बताया टेंस में परिवर्तन का पहला रूल। यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो उसके रिपोर्टिंग स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, पर्सन में परिवर्तन होगा, पर्सन में परिवर्तन किया गया है। इसके पश्चात अगला टेंस में परिवर्तन का रूल आता है, तो जैसे है टेंस में परिवर्तन का दूसरा रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, टेंस में चेंजिंग की जाती है। ध्यान दीजिए, टेंस में परिवर्तन का दूसरा रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग की जाती है, यानी परिवर्तन किया जाता है। अब वो परिवर्तन छह प्रकार का होता है, इसको आप लोगों को पहले भी पढ़ाया जा चुका है, इसके लिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। डायरेक्ट में पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी यू विल नॉट ड्रिंक टी, यू विल नॉट ड्रिंक टी, इनडायरेक्ट इसको चेंज करेंगे, सेट टू को टोल्ड बदलना है, सेट टू को जो रिपोर्टिंग वर्ड सेट टू उसको टोल्ड बदलेंगे, he told me that, अब यू जो है सेकंड पर्सन में आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी है तो मी के अनुसार आई हो जाएगा, यू बदल करके मी के अनुसार आई, मी के अनुसार यू जो है चेंज होकर के आई होगा, आई विल बदल करके
यू के साथ विल है, आई के साथ सैल होता है, सैल का शुड होता है, आई शुड, फर्स्ट टेंस हुआ, आई शुड नॉट ड्रिंक टी, आई शुड नॉट ड्रिंक टी। इस तरह से आपका दूसरे टेंस, टेंस में परिवर्तन के का जो दूसरा रूल है उसके अनुसार एग्जाम्पल बता। यदि रिपोर्टिंग अगर पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, सेड है, पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे परिवर्तन किया गया है, सेड टू को टोल बदला गया है, दैट के बाद पर्सन बदला गया है, यू मी के अनुसार बदलेगा तो आई होगा, तो यू के साथ विल है तो आई के साथ सेल का शुड होगा, इसलिए आई शुड नॉट ड्रिंक टी। इस तरह से परिवर्तन टेंस में कर दिया गया। अब जो है इसके अनुसार नरेशन के अंतर्गत पहले चैप्टर में आप लोगों को पहला वीडियो भेज रहा हूँ, इसमें तीन रूल बताया गया। पहला जो है टेंस में दो परिवर्तन बताया गया और पर्सन में परिवर्तन बताया गया, इसका रूल बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया, समझाया गया। ध्यानपूर्वक इसको देखिए, समझिए। घर पर जो भी बुक है ग्रामर की आपकी, उस ग्रामर का नरेशन का चैप्टर निकाल करके अध्ययन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अब अगला वीडियो कल मैं भेजूंगा, वैसे इसके अंतर्गत कुछ एक्सरसाइज मैं आपको भेजूंगा, उस एक्सरसाइज को देख करके आप हल कीजिएगा, काम पूरा कीजिएगा। थैंक यू। चलो वही से ले लिया होता हो।